मेरी क्लास फेलो है, ज़ारा नाम है उसका। आपने अपनी बहन से यही वादा किया था ना कि हम उसकी शादी एक अच्छे घर में करेंगे? नहीं, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं मेहरुन्निसा को अपनी बहू बनाऊंगी। ओके अम्मी, मैं चलता हूँ। नाश्ता करके जाओ। नहीं अम्मी, मैं कॉलेज में कुछ ना कुछ खा लूंगा। नाश्ता करके जाना चाहिए, सब तैयार है। आप दोनों खाएं, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। खालाजान, नाश्ता तैयार था। मैंने आपको कहा था ना, जरूर कोई बात है। कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो। मैं कह रही हूं ना, अपने आप को परेशान ना करो। कोई बात नहीं है, तुम्हें इसकी आदत का पता नहीं है, जरा जरा सी बात को जहन पे सवार कर लेता है। आप पूछिए ना इनसे कि क्या बात है। ठीक है ठीक है, पूछूंगी, तुम परेशान नहीं हो, जाओ जाके नाश्ता करो। नहीं खाला जान, दिल नहीं कर रहा। क्यों, अब तुम्हारे दिल को क्या हुआ? वो नाश्ता किए बगैर ही चली गई। कॉलेज में कुछ ना कुछ खा लेगा मेरा बेटा, मुझे पता, ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। अब जाओ जाके नाश्ता करो, जाओ, वरना मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी सारा दिन। जी मेहरुन्निसा को खाने के लिए मना क्यों किया तुमने? मुझे भूख नहीं है अम्मी। तो अब तुम भूखा रह के ब्लैकमेल करोगे मुझे? ब्लैकमेल नहीं कर रहा मैं, लेकिन एहतजाज करने का हक है मुझे। कैसा एहतजाज? ऐसा लग रहा है जैसे मेहरुन्निसा से शादी करवा के गुनाह कर रही हूं कोई मैं। अम्मी, गुनाह नहीं कर रही हैं आप, लेकिन मेरे साथ ज्यादती जरूर कर रही हैं। कैसी कैसी ज्यादती? खामी बताओ मुझे मेहरुन्निसा में क्या है? अम्मी उसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन बस मैंने उसके बारे में कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तो सोच लो ना, निकाह का तो रिश्ता ही ऐसा है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। निकाह के कजन है वो तुम्हारी। अम्मी मैं निकाह करूंगा तब ना। ठीक है, तुम सोच लो अच्छी तरह से, ये कोई जल्दी नहीं है। अगर तुम ये सब ना कहते तो मैं तुमसे शायद इस बारे में बात भी नहीं करती। अम्मी मैं बहुत सोच चुका हूँ, आज या कल मेरा जवाब यही होगा। ज़ेहान, अम्मी मैं बस ज़ारा से ही शादी करूंगा, बस। ठीक है, तो मेरे मरने के बाद। अम्मी अम्मी क्या हो? कर लेना मेरे मरने। अम्मी 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 क्या हुआ आपको? अम्मी आई पीछे लेट। मेहरुन्निसा
मेहरू निशा पानी लेके आओ अम्मी के लिए। मेहरू निशा जल्दी आओ। मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से इनकी हालत हुई है। ज्यान साहब इनका ख्याल रखें, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी वजह से परेशान हो जाए। ये हार्ट पेशेंट है, इसकी वजह से आपको और ख्याल रखना होगा। कोई छोटी सी भी बात इनके लिए खतरा बन सकती है। जी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। जो दवाइयाँ आप लेती हैं वो लेती रहें और देखिएगा ज़्यादा चलें फिरें नहीं। चलिए जान साहब, आपसे मुझे बात करनी है। जी आए। आपके और खाला जान के बीच में ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से वो इतनी परेशान हो गई है? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर सवाल क्यों पूछ रही हो इस तरह के? मैं तो खाला जान के लिए फिक्रमंद हूं, तभी पूछ लिया। हाँ तुम्हें फिक्र होगी ना, मुझे तो जैसे कोई परवाह नहीं होगी। सिहान आप कैसी बातें कर रहे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम ये प्रूफ करना चाहती हो हर वक्त कि तुम्हें उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप उनके बेटे हैं, मैं आपके साथ इतना मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? मुकाबला होना भी नहीं चाहिए। गया क्यों इतने परेशान हो? कुछ नहीं हुआ है, मुझे ठीक हूं मैं। अम्मी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप कितनी परेशान हुई। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना। अम्मी अम्मी देखिए प्लीज, अब सब कुछ भूल जाएं और आप ये बिना वजह टेंशन मत लिया करें। आप जानती मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मुझे पता है मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। आप बताएं आपने आपने टेंशन ली क्यों? क्या पता नहीं, दिल इतना नाजुक हो गया है, कोई तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं करता। अम्मी आपने आप ऐसा कुछ नहीं सोचना बस। अच्छा नहीं सोचूंगी भाई, तुम परेशान होना तो बंद करो ना। और ये मेहरू निशा कहाँ है? अंदर ही होगी, यकीनन रो रही होगी बैठी किसी कोने में ना। जाओ जरा उसे भेजो मेरे पास। जाओ शाबाश। अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। मेहरू निशा अब इस तरह की छोटी छोटी बातों पे रोना ना शुरू हो जाए करो। अम्मी तुम्हें देखेंगे इसमें तो परेशान हो जाएंगी। आप फिक्र ना करें, मैं वो धोखे उनसे मिलने चली जाती। अच्छा सुनो जी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत सुना दी बातें। मैं एक्चुअली अम्मी की वजह से बहुत परेशान था। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। और तुम्हें नाराज होना आता भी नहीं। Thank you.
अगर आज मेरी आंखें बंद हो गई तो ये दुनिया तुम्हें अकेले इस घर में ज्यान के साथ नहीं रहने देगी। क्या बात है राफिया, इतनी देर हो गई, जारा अभी तक नहीं आई, क्या इसी तरह घर से बाहर रहती है? ये प्यार ओके मैडम सर, चलता हूँ। ज़यान, मैंने आपके लिए नाश्ता लगाया हुआ है, नाश्ता तो करके जाए। नहीं नहीं, मैं कॉलेज जाके कर लूंगा, अगर बहुत जरूरी प्रैक्टिकल ना होता तो मैं बिल्कुल ना जाता। आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, खाला जान का ख्याल मैं रखूंगी। थैंक यू। किस बात के लिए? अम्मी का ख्याल रखने का। क्यों, क्या वो मेरी कुछ नहीं लगती? लगती तो है, मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं था। तो आपका कहने का क्या मतलब था? अगर मैं उनकी सगी बेटी होती तो ये बात आप कभी ना करते। ऐसा मैंने कब कहा? मैं चलता। शुक्र है आपकी तबीयत इतनी बेहतर है, रात में तो आपने डरा ही दिया था हमें। तुम दोनों का बहुत ही छोटा सा दिल है, इसमें डरने की क्या बात है भाई? खाला जान, रात में आपकी तबीयत काफी खराब थी। अब दिल के मरीज को इतना बीमार होने का हक तो होता है। प्लीज खाला जान, नाश्ता करें, आपने दवा भी खानी है उसके बाद। तुमने कर लिया नाश्ता? नहीं, मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी, सोचा आपके साथ ही करूंगी। कर लेना चाहिए था ना बेटा, सारी रात बे आराम रही हो मेरी वजह से तुम। ज़ियान भाई जैसी बातें कर रही हैं आप, क्या मैं आपके लिए अपनी नींद की इतनी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? अच्छा अच्छा भाई, नाराज मत हो, कर लेना बाद में नाश्ता, बल्कि जब मासी काम करके चली जाए ना तो थोड़ा सो जाना। जी। पता है मेहरुन्निसा, मुझे ज़ियान से ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है बेटा। अगर आज मेरी आंखें बंद हो गईं, तो ये दुनिया तुम्हें अकेले इस घर में ज़ियान के साथ नहीं रहने देगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ही तुम्हारी शादी कर दूँ। खाला जान, मेरे लिए इतना ना सोचा करें। क्यों ना सोचूं? तुम जिम्मेदारी हो मेरी भाई। बहुत परेशानी का बायस हूं ना मैं आपके लिए। ये मैंने कब कहा है कि बेटियां परेशानी का बायस होती हैं? बेटियां कभी भी परेशानी का बायस नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप को उनकी फिक्र तो रहती है ना। अच्छा, अभी तो आप मुझे बिल्कुल भूल जाए, टेंशन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, टेंशन ना ले। चलिए जूस पिए। ठीक। हाँ भाई, कैसा हुआ प्रैक्टिकल? अच्छा हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ, अम्मी की तबीयत पता नहीं कैसी होगी। अच्छी ही होगी, तुम परेशान तो मत हो। अच्छा भाई, मैं तो ज़ियान के साथ आंटी को देखने जा रहा हूँ, तुम चलोगी साथ? हाँ मैं चलूँगी, मम्मी को फ़ोन करके बता दूँगी। बिना वजह ज़हमत होगी तुम दोनों को। अरे यार ज़हमत कैसी, थोड़ी सी देरी तो लगेगी, और इसी बहाने ये दोनों भी मेहरुन्निसा से मिल लेंगी। बेचारी मेहरुन्निसा, सारी रात अम्मी की वजह से जागती रही वो, अगर वो ना होती तो मैं कॉलेज कभी ना आ पाता। हाँ ये तो है। चलो तुम लोग एक मिनट रुको, मैं शर्मीन को लेके आता हूँ। बहुत अच्छा किया साजिदा जो आ गई, मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए। अगर तुम आज नहीं आती ना तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाती। सारी मुंह देखे की बातें होती हैं तुम्हारी,
कितने दिन हो गए तुम्हें मेरे यहाँ आए हुए? मालूम तो है तुम्हें साजदा, सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। जारा सुबह जाती है और शाम को वापस आती है कॉलेज से। लौटी नहीं अभी तक कॉलेज से? बताई थी कि उसकी सहेली की अम्मी की बहुत तबीयत खराब है, सब लोग मिलकर उन्हें देखने जाएंगे आज। वाह भाई राफिया वाह, ये भी खूब कही तुमने। ऐसी अकेली लड़की को तुमने भेज दिया लोगों में, न जान न पहचान। साजदा ऐसी कोई बात नहीं है, जारा को बहुत पहचान है लोगों की, हर जगह नहीं जाती वो, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। आओ बैठते हैं। जैसी मर्जी हो। हम सही वक्त पे तो आए ना, आई होप कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी मैं देखता हूँ, चेक करके आता हूँ। अमीगा तुम लोग बैठो। कामिकल। वालेकुम अस्सलाम। आप यकीनन मेहरुन्निसा हैं, है ना? जी मेहरुन्निसा, ये मेरे कॉलेज के दोस्त उवैस, शर्मीन, जारा। अरे वाह, इन्हें तो हमारे नाम भी याद है। जी ज़ियान भाई आप लोगों का जिक्र बहुत करते हैं। मेहरुन्निसा अम्मी सो रही हैं? जी कुछ देर पहले ही सोई हैं, आप कहें तो उठा दूं। नहीं नहीं उन्हें सोने दें, हम तो बाद में भी मिल लेंगे। आप लोग कुछ लेंगे? मैं कुछ चाय वगैरह लेके आती हूँ। हाँ मेहरुन्निसा कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो, कॉलेज में भी नहीं खाया। क्यों नहीं, मैं लेके आती हूँ। देखें प्लीज हमारे लिए तकल्लुफ मत कीजिएगा, हम तो सिर्फ आंटी से मिलने हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी जब तक खाला जान भी उठ जाएंगी। मैं ले क्या यार, तुम भी ना कमाल करते हो, कहाँ फंसा दिया बेचारी। एक तो वैसे ही हम मुंह उठाकर बगैर बताए आते हैं, और किसी से मिलने का ये तो मतलब नहीं है कि हम उन पे अजाब बन जाए। तुम लोग बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम लोगों को मेहरुन्निसा की सिलाई तो नहीं पता, अभी मिनटों में ना पूरी टेबल सजा देगी खाने की। फिर तो तुम बहुत लकी हो। सिर्फ मैं ही नहीं, मम्मी और ये पूरा घर भी। मैं मम्मी को देख के आता हूँ। क्या बात है राफिया, इतनी देर हो गई, जारा अभी तक नहीं आई, क्या इसी तरह घर से बाहर रहती है? नहीं आज देर हो गई, इसको अक्सर तो जल्दी आ जाती है। वैसे लड़कियों का इस तरह देर तक बाहर रहना मुझे पसंद नहीं है। अम्मी कॉलेज से आती ही होगी, आते आते शायद कुछ काम सूझ गया होगा, बस शील भी है नहीं मिनट आई एम श्योर। तो मैं क्या कह रही हूँ, जहमत की ज़ियान ने बहुत बुरा नक्शा खींचा होगा मेरी बीमारी का, है ना? अरे नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अक्सर आता रहता हूँ। हाँ और बाहर से ही चले जाते हो। अब ये साहब कभी अंदर बुलाएं तो आऊंगा। अच्छा इन बच्चियों का तो तारुफ कराओ ज़ियान। अम्मी ये शर्मीन है और ये ज़ारा। बहुत खुशी हुई तुम लोगों को देखकर। चलो मेरी बीमारी के बहाने तुम लोग आए तो। सॉरी आंटी, वैसे हमें आपसे मिलने के लिए बहुत पहले आना चाहिए था। ये कुछ खिलाया पिलाया है इन्हें? ठीक खाला जी, मेहरुन्निसा ने हमें बहुत कुछ खिलाया आंटी। बस ये ऐसी ही है बेटा, बहुत मेहमान नवाज, बहुत खिदमत गुजार। मेरी तो सगी बेटी होती तो भी शायद इतनी खिदमत ना करती जितनी ये करती है। प्लीज खाला जान। क्यों गलत कह रही हूँ क्या? भाई मैं आप दोनों के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन आजकल की लड़कियां घर के कामों से जरा भागती हैं। नहीं नहीं आंटी, हमें भी घर के सारे काम आते हैं। अच्छी बात, अब इसके लिए तो आपको इनके घर जाके देखना पड़ेगा आंटी। नहीं भाई इसकी क्या जरूरत है, बच्ची कह रही हो तो ठीक ही कह रही होगी ना।
और जारा, पढ़ाई के अलावा क्या मशागल हैं बेटा आपके? आंटी, अभी तक तो मुझे पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिली। बेटा, जितना भी ज्यादा पढ़ना पड़े, लड़की को घर का काम जरूर आना चाहिए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ले। आगे ज़ारा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी बेटा, इतनी देर लगा दी? मम्मी, उन लोगों ने खाने पे रोक दिया और फिर मुझे और भी काम थे। तुम्हारी किस दोस्त की वालदा बीमार हैं जिन्हें देखने गई थी तो? वो मेरा एक क्लास फेलो है ज़ियान, उनकी अम्मी। लेकिन तुम्हारी अम्मी तो कह रही थी कि तुम्हारी किसी क्लास फेलो की अम्मी बीमार है। नहीं, मम्मी को गलत फहमी हुई है। अच्छा मम्मी, मैं ऊपर चेंज करने जा रही हूँ। शहबाज, मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। जी। हम बिला वजह बैठे इंतजार करते हैं। साजदा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं आप लोगों को। अब खाना खाकर जाएंगे आप लोग? नहीं, नहीं, खाने का तकल्लुफ नहीं है। ये भी थका हारा आया है, घर जाके आराम करेगा। शहबाज की छोड़े, मेरी बात वो कभी नहीं टालेगा। क्यों शहबाज जी? जी, जैसे आपको मुनासिब है। सुन लिया तुमने? जी, देख भी लिया। अच्छा, मैं खाना लगवाती हूँ, आप लोग बैठे। बाहर क्यों बैठी हैं? कुरान पाक पढ़ने के लिए। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन आप आराम भी तो करें ना। कुरान पाक पढ़ने से ही आराम और सुकून मिलता है मुझे। सारा अच्छी लड़की है, लेकिन तुम्हारी शादी सिर्फ मेहरुन्निसा से ही होगी। ज़ारा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों मैं? इसलिए कि इस घर की बहू सिर्फ मेहरुन्निसा ही बनेगी। मैंने अपनी मरी हुई बहन से वादा किया था, और अगर इस वादे में तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो मुझसे कोई ताल्लुक ना रखना। अच्छा अम्मी, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और हम इस मौजू पे अभी बात करेंगे। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? आप जबरदस्ती मेहरुन्निसा को मेरे ऊपर मुसल्लत क्यों कर रही हैं? मेहरुन्निसा में कोई खामी नहीं है, और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उसके लिए ऐसा क्यों सोचते हो। ठीक है अम्मी, अभी मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। तब तक आप भी सोच लें। मैं जितना भी सोच लूं, मेरा फैसला यही होगा। अम्मी, आप ऐसी तो नहीं थी, इतनी सख्त, इतनी बेमुरव्वत। ये सख्ती और बेमुरव्वती नहीं है ज़ियान। मेहरुन्निसा से शादी करके तुम सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे। रह गई ज़ारा,
अगर मैंने अपनी बहन से वादा ना किया होता तो मैं उससे तुम्हारी शादी जरूर करा देती। तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई और है? पता नहीं, शायद। मैंने कहा बहुत नाम रोशन कर रही हो तुम अपने खानदान का। क्या हुआ मम्मी, मैंने क्या किया? ये प्यार बेदर्दी। बहुत नाम रोशन कर रही हो तुम अपने खानदान का। जी? मैंने कहा बहुत नाम रोशन कर रही हो तुम अपने खानदान का। क्या हुआ मम्मी, मैंने क्या किया? एक तो तुम देर से आई, ऊपर से साजदा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम अपने किसी क्लास फेलो के यहाँ गई थी जो कि लड़का था? तो मैं क्या कहती, झूठ बोलती? मैंने उनसे कहा था कि तुम अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई हो जिनकी अम्मी की तबीयत खराब है। तुम्हें तो मालूम है ना कि वो कितने पुराने ख्याल की है। तो होती रहे, मैं उनसे नहीं डरती। डरना पड़ता है, मगर तुम्हें कब समझ आती हैं सारी बातें? ऊपर से उनके साथ इतना रूड रवैया। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ना लगे, लेकिन रिश्तेदारी निभाने के लिए इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मम्मी प्लीज, मुझसे ये मुनाफ़कत नहीं होती। आखिर तुम चाहती क्या हो? जो मैं चाहती हूँ मैं आपको बता चुकी। फजूल बातें मत करो, इकलौते होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी हर बात मैं मान लूंगी। मैंने कौन सी गलत बात की है? एक ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी जाया कर रही हो जिसने तुम्हें आज तक कुछ नहीं कहा। मम्मी आपको जल्दी किस बात की है? क्या मैं आपको इस घर में अच्छी नहीं लगती? है मुझे जल्दी। अगर मुझे कुछ हो गया जारा तो तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाओगी। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, कुछ नहीं होगा आपको। तुम जियान के घर गई थी, उनकी अम्मी के रवैये से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि जियान ने तुम्हारे बारे में उनको कुछ बताया? उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी, अब मैं कैसे जज कर सकती हूँ? तुम्हारी हाउस जॉब में कुछ ही महीने रह गए हैं, उसके शुरू होने से पहले मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। बाद में हाउस जॉब कर लेना, बस इससे ज्यादा मोहलत मैं नहीं दे सकती तुम्हें। आप पहले मुझे ये बताएं कि मेरी शादी आपको करवानी है लेकिन आपने मुझे कभी घरदारी नहीं सिखाई। घरदारी? हाँ, घर के काम काज आपने कभी मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी। बस अब मैंने फैसला कर दिया, अब कल से सारे घर के काम मैं खुद करूँगी। फजूल बातें मत करो जारा, पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारी क्या बात हुई उनसे इस सिलसिले में? क्या बात हुई थी? वो तो ये कह रही थी कि या तो तुम इस लड़के को भूल जाओ या फिर उसको बुलाओ घर पे और मुझसे मिलवाओ। वैसे कह तो ठीक रही है। प्लीज शार्मी, ज़ियान से क्या बोलूंगी? अच्छा मैं बात करूं? तुम क्या बोलोगी उसे? यही कि वो तुम्हारे बारे में क्या फील करता है। प्लीज तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली हो। वैसे इन तो वो बहुत कुछ करता होगा लेकिन वो घुन्ना है, पता नहीं चलने देता कि वो क्या सोच रहा है, क्या फील करता होगा, पसंद करता है या नहीं ये भी तो नहीं मालूम। कोर्स करता है, तुम में कमी किस बात की है यार? उसकी नजरों में तो कमी हो सकती है, वरना आज तक वो कुछ तो बोलता। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व कर लो, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। देखो तो बात को हाथ से निकलने के लिए हाथ में होना भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। ओ हाय। क्या हो रहा है भाई? इंतजार हो रहा है, और क्या होगा। और अब आपका इंतजार खत्म? नहीं नहीं, इंतजार अभी बाकी। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं। क्या बात है ज़ियान, तुम कुछ टेंस लग रहे हो। हाँ कुछ नहीं, बस रात देर तक पढ़ता। अच्छा
लगता है वैसे इस बार तुमने ही टॉप कर। शायद। अरे मेरे दोस्त, और भी गम है जमाने में पढ़ाई के सिवा। मसलन? मसलन मोहब्बत। मोहब्बत का हम जैसों से क्या ताल्लुक, जो कि सीरियसली पढ़ाई करते हैं। ये मोहब्बत तुम जैसे फारिग लोगों का काम है, जो कि पढ़ाई को फॉरगॉट कर देते हैं। अच्छा जी, तुम पढ़ाकू हम फारिग, अब कुछ? अच्छा सुनो, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। एक मिनट रुको, कुछ खाते हैं पहले। लाइब्रेरी क्यों जा रही हो? नहीं तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं चल रही हूँ। शायद ज़ारा को फरार का रास्ता सबसे आसान लगा। मैं इसे फिलहाल कोई उम्मीद दिलाना नहीं चाहता। अगर अम्मी मान जाती हैं तो फिर शायद मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दूँ। लेकिन शायद तब ज़ारा अपनी जगह पर नहीं होगी। तब हमारी किस्मत। जरूरी था सबके सामने इस तरह उठकर आना? क्यों खामखा सबको अपनी वीकनेस शो कर रही है? मुझे लगा अगर मैं वहां बैठती तो मुझे ये डर था कि तुम उनके सामने कुछ ना कहते। अरे मैं क्या कहती? अगर एक इंसान तुम्हारे लिए फील नहीं कर रहा तो जरूरी है तुम हर वक्त उसके लिए फील करती रहो। जनाब, लिसन, एवरीथिंग इज नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं होता है। एवरीथिंग इज वेरी इजी, इट्स ओनली इफ यू वांट टू डू इट। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं इसे कम्प्लीटली इग्नोर करती। प्लीज, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम मेरी जगह पे नहीं हो। ज़ारा, प्लीज आंटी को परेशान करना छोड़ दो। अगर ज़ियान तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा होता तो बात अलग थी, लेकिन अगर वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है तो तुम क्यों आंटी को तंग कर रही हो? शामिल, प्लीज कैन वी जस्ट, हम किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकते क्या? कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान के चैप्टर से बाहर आना पड़ेगा। क्या आप आएंगी? समझो मैं आ गई, ठीक है? अच्छा तो फिर लिसन, मैं गलत बुक उठा लाई हूँ, उठो तो। लेकिन मेरी अच्छा मैं आ रही हूँ। थैंक यू। वैसे ये ट्रीट किस खुशी में? ओवैस से पूछो, ट्रीट तो उसकी तरफ से। ओए लड़की खबरदार, जो मेरी जेब पर बुरी निगाह डाली। वैसे भी ये ट्रीट सरासर तुम्हारी गलती की वजह से। लेकिन क्या किया इसने? नेक्स्ट मंथ से एग्जाम शुरू होने वाले हैं और उसके बाद हम कहाँ तुम कहाँ, तो हमने सोचा कि आज की शाम दोस्तों के नाम। शर्मीन, टाइम क्या हो रहा है? 8 बजे। क्यों? आई थिंक वेटर को बोल देते हैं कि जल्दी खाना ले आए, क्योंकि फिर घर जाना है मुझे, मम्मी परेशान हो जाएंगे। अरे आज तो हमने आइसक्रीम खानी है, घूमना है, मतलब तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? नॉट रियली यार, तुम लोग जाना, मैं घर जाऊंगा। ज़ियान, तुम्हारे घर के रास्ते में ज़ारा का घर आता है, उसे कौन ड्रॉप करेगा यार? तुम ऐसे करो कि ज़ारा को ड्रॉप कर दो, हम दोनों तो अभी कुछ देर यहाँ रुकने वाले हैं। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। अगर ज़ियान तुम्हें ड्रॉप कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ कोई ऐसी बात नहीं, मैं कर लूंगा। शायद
वजह पूछ सकता हूँ? क्या तुम नहीं जानते? क्या क्या नहीं जानता मैं? यही तो बात है, सब कुछ जानकर भी तुम कुछ नहीं समझते। सारा बहुत सी ऐसी बात होती है जिन्हें इंसान जानबूझ के नजरअंदाज कर देता है। तुम्हें लगता होगा जैसे मैं बिल्कुल बेहिस हूं, जो कि सब कुछ जानकर भी नहीं जानता, मगर ऐसा नहीं है। अगर तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? सारा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारी ख्वाहिश तो कोई भी लड़का कर सकता है, लेकिन फिलहाल मेरी मजबूरी है। प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने ही पहल किया। ऐसा क्यों सोच रही हो जारा? क्या तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई और है? पता नहीं, शायद मुझे खुद नहीं पता। तुमने फैसला कर ही लिया तो मेहरू निशा को अपनाओगे? ये फैसला मेरा नहीं यार, किस्मत का फैसला है। शायद मेहरू निशा का साथ मेरी किस्मत में लिखा जा चुका है। और जारा? सारा, सारा को मैं भूल नहीं सकता यार। ये दोहरी जिंदगी कैसे गुजारोगे तुम? यानी मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से? मोहब्बत को मैं भुला नहीं सकता, और आज शादी का सवाल। शादी तो मुझे मेहरू निशा से ही करनी होगी। यार तुम मेहरू निशा को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? मुझे वो समझदार लड़की लगती है, वो खुद ही पीछे हट जाएगी। नहीं यार, मम्मी को मजीद दुख नहीं दे सकता। मेहरू निशा, उसके अंदर तो पहले ही कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। अगर मैंने इस तरह की कोई बात कर दी तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। क्या उसे मालूम है कि आंटी तुम दोनों को एक रिश्ते में बांधना चाहती हैं? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता मैंने उसे कुछ बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुका हूँ। अच्छा, उसने कुछ कहा तुमसे? उसने क्या कहना है यार, बेचारी तो सही तरह बात भी नहीं कर सकती मुझसे, मोहब्बत का इजहार कैसे करी? आज जिसे तुम बेचारी कह रहे हो उसे तुम अपनी बीवी बनाओगे? यार तुम्हें तो हमेशा से पूरे तमाम लड़कियां पसंद थी। पसंद का क्या है, पसंद तो कभी भी बदल सकती है, लेकिन इंसान हकीकत नहीं बदल सकता। सारा को बता दिया तुमने? हाँ, मैं उसे इंतजार नहीं करवा सकता था। तुम उसकी मोहब्बत को बिल्कुल नहीं समझ पाए। मैं समझ रही थी ज़ियान स्टडीज की वजह से खामोश रहता, मुझे नहीं पता था कि वो और मर्दों की तरह बुज़दिल। वो कमजोर नहीं है, मजबूर है। तो मजबूर तो कोई भी मर्द हो सकता है। प्लीज ज़ारा, अब तुम उसकी हिमायत मत करो। निकाह का लम्हा लड़की के लिए जिंदगी का सबसे अहम लम्हा होता है। क्या आपको ये कबूल है? करोगे बेटा? बेटा कि मैं अब आपको उनका पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगी। मेरी सुबह उगे ना शाम
बेबे दर।